नमस्कार, मैं मनीषा राघव, आप देख रहे हैं एमपी भारत। खबरों की शुरुआत करते हैं, इससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। विपक्ष के सारंग के नाम पर दिखाए वाले बयान पर विश्वास सारंग ने किया पलटवार, कहा विपक्ष के नेता दे रहे हैं गैर जिम्मेदाराना बयान। देवास में युवा कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल एलपीजी और बढ़ती महंगाई के खिलाफ किया प्रदर्शन, सारण सिटी और पुंगी बजाकर सोई सरकार को जगाने का किया प्रयास। दमोह में बसपा विधायक रामावाई ने बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस, देवरिया चौरसिया हत्याकांड मामले में फरार पति गोविंद सिंह से सरेंडर करने की की अपील। देवास के पीपलरावा थाना के अगारी गांव में बीती रात घर में घुसकर हथियारबंद बदमाशों ने महिला को किया अगवा, सुबह गांव में पड़ी मिली लाश, मामले की जांच में जुटी पुलिस। पन्ना जिले के देवेंद्र नगर थाना प्रभारी और थाना स्टॉप की तानाशाही आई सामने, 100 डायल की टीम ने वार्ड नंबर 14 के सूरज पटेल नामक किसान के साथ की बेहद मारपीट। सायरन के नाम पर दिखावा करने वाले विपक्ष के आरोप पर मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया है, जिसमें मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि विपक्ष के नेता गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, इस समय लॉकडाउन संभव नहीं है, समाज आगे आए यह बेहद जरूरी है, हमारी सरकार सड़क पर उतरकर काम करती है। बता दें कि दिग्विजय सिंह के ट्वीटवार पर मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह सुर्खियां बटोरने के लिए यह सब बयानबाजी करते हैं, खुद जीतते तो सब ठीक होता, हम जीत रहे हैं तो ईवीएम में गड़बड़ी है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में कहा था कि भाजपा की जान ईवीएम में है। दमोह में बसपा विधायक रामावाई सिंह ने अपने घर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें उन्होंने अपने पति गोविंद सिंह से सरेंडर करने की बात कही, साथ ही कहा कि हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। इस बीच पुलिस के आला अधिकारियों सहित भारी पुलिस बल विधायक के निवास पर तैनात रहा। बता दें कि पुलिस लगातार विधायक के पति की तलाश कर रही है। विधायक रामाबाई का पति गोविंद सिंह देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड मामले में फरार चल रहा है। मैं आपके द्वारा एक अपील करना चाहती हूँ कि जहाँ भी हमारे पति हों उन तक ये सूचना पहुँचे, जानकारी पहुँचे, और वो जहाँ भी हों जैसे भी हों वो अपने आप को न्यायालय में सिलेंडर कर दें या शासन प्रशासन के समक्ष सिलेंडर कर दें, क्योंकि अगर वो पेश नहीं होंगे तो 26 तारीख को जो हमारी दिल्ली में बेल लगी हुई है वो उसमें कुछ ऐसी संभावना लग रही है कि वो कहीं खारिज ना हो जाए। तो हमारा ठाकुर साहब आपसे विशेष निवेदन है, मैं किसी के दबाव या दहशत में नहीं कह रही हूँ, मैं खुद चाहती हूँ कि आप जहाँ भी हों पेश हो जाएं न्यायालय में या सरकार पुलिस के इसमें, जहां भी जैसा आप सुविधा समझें पर पेश हो जाएं प्लीज ठाकुर साहब। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह गोंड के नेतृत्व में पेट्रोल डीजल एलपीजी और रोजमर्रा की चीजों में बढ़ोतरी की चीजों की बढ़ती कीमत के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस के मुताबिक गूंगी बहरी सरकार को आम जनता की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, जिसके लिए युवा कांग्रेस ने सायरन सिटी और पुंगी बजाकर जनता की आवाज केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है। जहां युवा कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि सिटी, पुंगी और सायरन की आवाज सुनकर अगर कोरोना रुक जाता है तो महंगाई क्या चीज है, महंगाई तो ऐसे ही रुक जाएगी, फिर भी कांग्रेस सरकार अपनी मनमानी कर रही है। बजाकर कोरोना कम किया जा रहा है, इसी प्रकार हम भी सरकार से, सरकार ने जब भी बोला थाली बजाना जनता ने थाली बजाई, सरकार ने बोला कि आपको दिए जलाना दिए जलाए कि कोरोना चले जाएगा, हम इस सरकार की पहल की तारीफ करते हैं कि चलो ठीक है आपने सोचा कि जैसे कि सायरन और दिए जलाने से और थाली बजाने से महंगाई कम हो सकती है, तो एक बार हम आम जनता की भी बात सुने कि हम आज सिटी और पुंगी बजा रहे हैं तो कम से कम आप भी थोड़ी बहुत महंगाई कम करें। उज्जैन के जिला अस्पताल में देर रात जमकर हंगामा हो गया और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल एक दुर्घटना में एक महिला का पति और उसका पुत्र घायल हो गया था, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इलाज के बाद डॉक्टर ने महिला से उसके पति और बेटे को अस्पताल में भर्ती करने की बात कही, तो महिला ने दोनों घायलों को दूसरे अस्पताल में भर्ती कराने को कहा, तो डॉक्टर ने अस्पताल का पर्चा जमा करने की बात कही। वहीं इस बीच महिला ने डॉक्टर के साथ हाथापाई की। इस मामले की जानकारी मिलते ही अस्पताल परिसर में मौजूद पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिनके साथ महिला ने धक्का मुक्की की और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने महिला और उसके पति और उसके बेटे के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। वो लोग अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन में थे, तो उनकी जिस तरीके से एमएलसी बनना चाहिए वो बनाते हुए मैंने कार्रवाई जो करी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो करी और भर्ती करने के लिए पर्चे बनाए।
तो भर्ती का पर्चा उन्होंने लिया और उसके बाद में भर्ती न होते हुए पर्चे को अपने पास दबा लिया, छुपा लिया और उसके बाद अस्पताल से एब्सकॉन्ड करने लगे। पर्चा मांगने पर उन्होंने बोला कि पर्चा नहीं है हमारे पास, दो बार बोलने पर भी नहीं दिया उन्होंने और बाहर चले गए। बाहर जाकर जब उनसे मैंने बोला कि आप सरकारी दस्तावेज़ को इस तरीके से नहीं ले जा सकते, आपको वो जमा करा के ही जहाँ जाना है वहाँ जाना होगा, तो आपत्ति जताते हुए उन्होंने वहाँ पर अभद्र व्यवहार शुरू कर दिया और गाली गलौज शुरू कर दी और हाथापाई भी की गई। कल डॉक्टरों से कुछ लोगों ने विवाद किया था और उनके साथ में बदतमीजी भी करी थी, इस पर पुलिस द्वारा रोका गया, जिसके साथ उन्होंने पुलिस से भी अभद्रता करी। इस पर हमने राउंड अप करके और तीनों आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीकृत। देवास के पीपलरावा थाने के आगरी गांव में रात के समय घर में सो रही महिला की बेटी को हथियारबंद बदमाशों ने अगवा कर लिया। इस बीच बेटी को बदमाशों के चुंगल से छुड़ाने के लिए पिता भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उस बेटी की लाश गांव में ही पड़ी मिली, जिससे पूरे गांव में सनसनी फैल गई। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। वहीं पिता से मिली जानकारी के मुताबिक उनके घर में 6 हथियारबंद बदमाश घुस आए और बेटी को उठा ले गए, जिसमें से श्याम, सुरेश, भगवान सिंह को पहचान लिया गया है। बाकी 3 चेहरों को नहीं देखा गया, जिनकी पहचान की जा रही है। फिलहाल SDOP और TI इस मामले की जांच कर रहे हैं। देवरी कला में बैंक अधिकारी की मनमानी और लापरवाही के चलते एक युवक की जान चली गई। ताजा मामला देवरी के बैंक ऑफ बड़ौदा की बिजोरा शाखा का है, जहां कोटवार का अशोक एड्स की गंभीर बीमारी से ग्रसित है, जो कि इलाज के लिए 50,000 रुपए निकालने बहन और जीजा के साथ बैंक पहुंचा था, लेकिन बैंक अधिकारियों ने राशि निकालने में इतना अधिक समय लगा दिया कि बैंक परिसर में ही स्वास्थ्य सुविधा ना मिलने के चलते युवक की मौत हो गई। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। 50,000 रुपए निकाले। कितनी देर परेशान होते रहे? 8 घंटा लग परेशान हुए हम। कैसे नहीं निकाले? नहीं निकाले, वो देख भी गए, मतलब वो अंदर से बाहर देखने भी आ गए कि मरीज कैसा है, फिर भी उन लोग ने तुम फार्म भर दो, तुम कुछ कर दो, तुम कुछ कर दो, ऐसा 1.5 घंटा लगा दिया हम लोग। और फिर जैसे तैसे काम किया, यहाँ हम दस्तखत कराने आए, भाई नहीं चल रहा। लंच के बाद में ये करीब 3:15 बजे के आसपास मुझे इसकी सूचना है कि मुझे पैसे निकालने के लिए, इनकी तबीयत खराब है। पर क्यों पैसे क्यों नहीं निकल पाए, क्या वजह रही? मैंने तो अलाउ किया था कि आप भर दीजिए पेमेंट, 2 लोगों से विटनेस ले लेंगे हम और पेमेंट दे देंगे। और उसके बाद में मैं कैबिन में आके बैठा और 5 मिनट में ही उन्होंने बताया कि वो एक्सपायर हो गए। प्रोसेस नहीं हो पाई, प्रोसेस कुछ नहीं है, ना ही विड्रॉल तक, ना उन्होंने कुछ साइन तक नहीं किया, नहीं बिना सिग्नेचर के तो पेमेंट निकालना संभव। पन्ना जिले के देवेंद्र नगर थाना प्रभारी की निष्क्रियता और थाना स्टॉप की तानाशाही रवैये के चलते देवेंद्र नगर में भय की स्थिति बनी हुई है। दरअसल बीते दिनों वार्ड नंबर 14 के किसान सूरज पटेल को उसी के घर के सामने 100 डायल की टीम ने बेरहमी से पीटकर उसे बेसुद कर दिया। वहीं इस पूरे मामले पर पीड़ित से बात की गई तो उसने बताया कि किसान किराने का सामान लेकर लौट ही रहा था कि पुलिस वालों ने उसे बुलाया। जैसे ही वह घर से बाहर निकला, जब तक वह कुछ समझ पाता तब तक पुलिस बल उस पर टूट पड़ा और बड़ी बेरहमी के साथ उसकी पिटाई कर दी। वहीं इस पूरी वारदात में 100 डायल का ड्राइवर भी इस पूरी वारदात में शामिल है। बता दें कि इस घटना में पीड़ित को आंख पर गंभीर चोटें आई हैं। पटेल है, मैं बमरी 14 का निवासी, परसों रात में खेत से लौटा और खाना खाने को बैठा था, श्रीकांत पाठक जी ने मुझे आवाज लगाई। ये कौन है? ये मुंशी जी है, अपने थाने में पदस्थ, देवीनगर थाना में पदस्थ, और मुझको आवाज़ लगाई, मेरे मोहल्ले में ही रहते हैं, और मैंने इनकी आवाज़ सुनते ही बाहर आया तो इनने मार दी। 4-5 लोग थे, ये मेरे को बेरहमी की तरह मेरी आंखों में गंभीर वार किया, जिससे उसके कारण मुझको दिख नहीं रहा एक आंख में बिल्कुल। बैतूल में मुलतई के कामत में पिछले दिनों दोहरे हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसमें एक महिला और उसकी नातिन की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वहीं इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतक के बेटे समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इस पूरे मामले की छानबीन की गई तो पता चला कि महिला ने अपने बेटे को अवैध संबंध के चलते घर से बाहर निकाल दिया था, जिसकी वजह से बेटे ने अपनी माँ को मौत के घाट उतार दिया। वहीं इस पूरे मामले की जाँच के लिए पुलिस ने 3
टीआई की टीम को गठित किया था, जिन्होंने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। ये 15 तारीख को मुलताई में एक महिला की और उसकी 11 साल की नातिन की निशंक हत्या की गई थी। और पूरे घटनाक्रम के बाद पूरे ज़िले में एक तरीके से सनसनी भरा ये इंसिडेंट हुआ था, जिसमें दो महिलाओं की इस तरह से हत्या कर दी गई थी। और इसमें फिर एसडीओपी मुलताई के निर्देशन में टीम गठित की गई, जिसमें टीआई मुलताई प्रमुखता से जो सोलंकी साहब हैं उन्होंने पूरा प्रयास किया। इसके साथ ही साथ टीआई आमला और टीआई बोरदेही का भी सहयोग लिया गया। मध्य प्रदेश की तमाम अहम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एमपी भारत। नमस्कार।